2019 के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अभी से इस चुनाव की रणनीति में जुट गए हैं। सोर्सेस की माने तो 2019 में नीतीश खुद को मोदी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी के तौर पर पेश करना चाहते हैं और इसके लिए वो दो प्लान तैयार कर रहे हैं। नीतीश का पहला प्लान बिहार के डेवलपमेंट मॉडल को पूरे देश के सामने पेश करना है। नीतीश कुमार बिहार के जीडीपी के ताज़ा आंकड़ों को अपने मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के रूप में पेश करेंगे। बिहार ने जीडीपी का आंकड़ा 7.6 दिया, जो देश के राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। सूत्रों की माने तो ब्रांड बिहार के प्रमोशन के लिए स्पेशल कैंपेन चलाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। दूसरे प्लान के तहत नीतीश राष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी से सीधा राजनीतिक मुकाबला करेंगे। सूत्रों के अनुसार नीतीश की मंशा है राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार उतारने की। नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार राष्ट्रपति के रूप में दक्षिण भारत का कोई नेता संयुक्त विपक्ष उम्मीदवार के रूप में उतरे। इसके लिए वो कांग्रेस लीडरशिप से बात करेंगे। हालांकि नीतीश कोई भी फैसला 11 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही लेंगे। 2014 के चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, तब कहा जा रहा था कि नीतीश खुद पीएम बनना चाहते हैं। अब नीतीश 2019 के लिए विपक्षी पार्टियों को कहां तक साथ ला पाते हैं और इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलती है, ये आने वाले वक्त के साथ ही पता चल जाएगा। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।